हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर जॉब अलर्ट। न्यू रिक्वायरमेंट आई है आपकी, एचपीएससी वेटरनरी सर्जन रिक्वायरमेंट 2022 आई है। हरियाणा के अंदर आपकी न्यू वैकेंसीज निकल के आई है, एचपीएससी डिपार्टमेंट के थ्रू रहेगी ये। वेटरनरी सर्जन की वैकेंसीज है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हो। आपकी एचपीएससी वेटरनरी सर्जन की रिक्वायरमेंट रहेगी 2022 के अनुसार। लास्ट डेट जो रहेगी, स्टार्टिंग जो डेट रहेगी आपकी फॉर्म अप्लाई करने की, वो 15 दिसंबर 2022 आपके फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट रहेगी। वो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 5 जनवरी 2023 आपके फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। एज लिमिट, मिनिमम एज जो आपकी 22 ईयर्स आपके फॉर्म की मिनिमम एज रहेगी, और मैक्सिमम एज जो है आपके फॉर्म की 42 साल आपकी मैक्सिमम एज रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी क्या क्या, तो उसके लिए आपको वेटरनरी सर्जन के लिए आपको बैचलर डिग्री इन द वेटरनरी साइंस, बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री आपके पास कोर्स किया होना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन और कोर्स किया होना चाहिए आपको बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का, आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो आपके फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो फीस रहेगी आपकी, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, 1000 रुपये आपके फॉर्म की फीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और फीमेल के लिए जो है 250 रुपये फीमेल के लिए फीस रहेगी। फिजिकल हैंडीकैप के लिए, हरियाणा के फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं होगी, 0 रुपये फॉर्म फीस चार्ज लिया जाएगा आपसे। जो आपकी टोटल पोस्टें रहेंगी, वो टोटल पोस्टों की संख्या आपकी 383 टोटल पोस्ट रहेंगी, 383 टोटल पोस्ट रहेंगी। जनरल की जो आपकी 202 पोस्ट रहेंगी, 80 की 69 पोस्ट रहेंगी, बीसीए की 29 पोस्ट रहेंगी, और बीसीबी की आपकी 46 पोस्टें रहेंगी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 37 पोस्ट रहेंगी। टोटल आपकी जो है 383 पोस्ट होती है, जिसमें जनरल के लिए आपको 202, 80 के लिए आपको 69 पोस्ट, और बीसीए कैंडिडेट के लिए 29 पोस्ट रहेंगी, बीसीबी के लिए आपको 46 पोस्ट रहेंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 37 पोस्ट रहेंगी। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, जो डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ में आपको अटैच करने हैं, वो आधार कार्ड रहेगा आपका, डेट ऑफ बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट इन अवेलेबल होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगी, रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगी आपकी, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी। एग्जीक्यूटिव जनरल कैटेगरी के लिए कोई नहीं है, डोमोसाइल चलेगी। अगर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई एससी एसटी से अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देनी होगी। 1 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आपको छोटी जो है पासपोर्ट साइज फोटो आपको फॉर्म में लगानी होगी, और इसके साथ आपके फॉर्म का जो सैलरी बेस रहेगा, इसमें वेटरनरी सर्जन की अगर आपको पोस्ट मिल जाती है तो आपका जो सैलरी प्रोसेस रहेगा, बेसिक पे आपकी 53,100 से आपकी स्टार्ट होती है, 53,100 रुपये आपका बेसिक पे होगा, जो कि 1,67,800 रुपये तक लेवल नो लेवल के ऊपर आपको पेमेंट दी जाएगी, 53,100 रुपये से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। इसी प्रकार आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसमें क्या क्या आपको करना, किस किस क्षेत्र से आपको गुजरना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा फर्स्ट, सेकंड आपका इंटरव्यू होगा, थर्ड आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और फोर्थ आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद में आपकी मेन लिस्ट लगेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप ज्वाइनिंग हो जाओगे मेडिकल के बाद में। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल फ्यूचर जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।